गाइस, डेली की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। कल हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक पेशेंट ऐसा आया था, इसकी डिलीवरी होने वाली थी, मतलब डिलीवरी तो होने वाली थी, काफ़ी लोग ऐसे आए थे जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उस महिला की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उसका जो पेट था वो काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ था, जिससे उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो जो बच्चा था वो पेट में मतलब पूरी तरह से अड़ गया था, जिससे उसका वजन भी बहुत ज़्यादा था बच्चे का। तो हमने उससे पूछा ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन हो रही है। तो उसने बताया बहुत ही जो जो बताया उसने वो सुनकर हमें भी बुरा लगा और आप लोगों को भी लगेगा। तो ये वीडियो पूरा देखें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, ठीक है। उस महिला ने बताया कि हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था और जहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया वहीं के पास में एक डॉक्टर बैठते हैं, उनसे उन्होंने दबा ली होगी और उन्होंने उनसे बताया कि आप कोई काम मत करना और चलना मत ज़्यादा, बस आराम करना। तो ये तो गलत बात है ना, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए पूरी तरह से आराम उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। भले ही कोई वो वर्क ना करे वो बात अलग है, लेकिन चलना फिरना तो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के सेहत के लिए। आप लोग बताइए कमेंट में क्या ये सही बात है। तो उस महिला को फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया, उसे इतनी दिक्कत ही हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिससे उसका ऑपरेशन ही बोल दिया गया, उसकी मजबूरी थी ऑपरेशन करने की। तो आप लोगों से फ्रेंड्स बस इतना कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी किसी की सुनने में मत आए, किसी के कहने से मत आए, कोई वजन ना उठाएं, वजन ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल चलना ही बंद कर दें, किसी ऊंची जगह पे मत चढ़ें, प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत चलना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए और आपके बच्चे के सेहत के लिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को,